हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ हैदर एंड यू आर वाचिंग हैदर्स रिएक्शन। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल होने वाली है, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो है जी इमर्जिंग इंडिया। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर इंडिया की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को भी देखें कि वो कैसी है, और साथ ही साथ जो है ना वो हमारी वीडियो को भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। न्यू इंडिया, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, 5 trillion GDP by 2025, third largest economy in youngest nation, average is 29. $500 billion plus smartphone users, 6th largest startup, fastest growing startup ecosystem. Smart cities, second largest manufacturer in the world, दूसरे नंबर पर है जो मोबाइल को बनाती है, third largest helmet manufacturer, fourth largest car manufacturer, $304 billion chemical markets, but we need change. And it only happened when we change. Thanks for watching. हाँ, तो यार वीडियो जो थी ना वो बहुत ही कमाल थी, देखने में वीडियो को मज़ा आया। ठीक है ना,
इमर्जिंग इंडिया ये था कि जी इंडिया में जो तरक्की हो रही है, ठीक है, इंडिया जो है ना वो उसमें हर चीज़ बन रही है, मोबाइल से लेके कार्स ट्रक्स, ठीक है ना, आबादी में ज़्यादा है, किस कार बनाने में चौथे नंबर पे है, ट्रक्स बनाने में दूसरे नंबर पे है। इस वीडियो का मकसद यही था बताना कि इंडिया जो है ना वो कितनी तरक्की कर रहा है, ठीक है, इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जो देखा वो एक ये चीज़ थी कि वो कहना चाह रहा था कि इंडिया जो है ना वो अपने कल्चर में एक खूबसूरत सिटी है, लेकिन एक बात उसमें ये बोल गया कि जी वहाँ पे जो है ना किसी किसी जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए, जिस वजह से जो है ना इंडिया अपनी खूबसूरती जो है ना वो सही तरीके से शो नहीं कर सकता। तो उसमें उसने ये कहा था कि अगर हम खूबसूरती शो करना चाह रहे हैं तो हमें और गवर्नमेंट को मिलकर जो है ना इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने भी देखा जहाँ जहाँ पे गंदगी के ढेर थे ना, वो इलाका जो था वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बनिस्बत दूसरी जगहों के जो कार अच्छी लग रही थी, ठीक है ना। तो उसने ये कहा कि अगर हम इस गंदगी को साफ कर लें तो जो हमारी सिटी है ना या कंट्री जो है वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। तो वहाँ मैंने देखा जहाँ पे पहले गंदगी थी, बाद में उसने उस जगह को एक क्लीन व्यू से कंपैरिजन किया तो वो जो था ना, अगर उस जगह को साफ कर लिया जाए तो उसका जो व्यू है ना वो भी कमाल हो जाएगा। तो यार जहाँ पे ह्यूमन होंगे वहाँ पे गंदगी तो होगी, आबादी ज़्यादा है, ठीक है, लोग जगह जगह पे कचरा फेंक देते हैं, तो जिस वजह से गंदगी तो फिर होगी। ये कंट्री के लोगों और गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर इसको साफ करना पड़ेगा यार। जहाँ पे लोग होंगे वहाँ गंदगी तो होगी, ये हर कंट्री में ऐसा है। कई कंट्री जो है उसको कंट्रोल कर लेती हैं, कई जो है वो नहीं कर पाती। तो बाकी आवाम को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार हम गंदगी फैला रहे हैं, अपनी कंट्री को गंदा कर रहे हैं, अपने घरों में तो ऐसे कभी नहीं उड़ा कचरा फेंकते, ठीक है ना, कभी गंदगी नहीं फेंकते, लेकिन सड़कों पे बाई रोड पे जो है वो जगह जगह पे गंदगी फेंक देते हैं। पता ही है कौन सा हमारा घर है, मेन रोड है, कोई उल्टा साइड में कर देगा, जब ये सोच बदलेगी तो तब ही जो है ना वो ये गंदगी खत्म होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में बताइएगा कि इस नेक्स्ट वीडियो जो है कौन सी जिसमें अपना रिएक्शन दें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।